वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई एक थार कार खरीदने के लिए, यहाँ पर देखो गाइस मैंने खरीद लिया है आरसी महिंद्रा थार। बिल्कुल एक थार की तरह ही दिखाई देती है ये कार। देखो दो कलर्स में मिल जाती है, मैंने खरीदी है ऑरेंज कलर वाली कार। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और करके देखते हैं इसकी टेस्टिंग, देखते हैं भाई ये कार किस तरह से चल पाती है। लेट्स गो। ऊपर वाला ये जो गुड्स का कैरी एरिया होता है हम लोग इसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। यहाँ पर देखो इसके बहुत सारे मेन फीचर्स दिए हुए। तो चलो गाइस फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं और भाई देख लेते हैं कार की क्वालिटी कैसी है, उसके बाद चलेंगे बाहर इस कार को खतरनाक वाली टेस्टिंग करने के लिए। ये देखो मैंने इसको निकाल लिया है। अगर आप ये कार खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हो। तो भाई सबसे पहले ये देखो ये रहा इसका रिमोट, ही ज्यादा अलग किस्म का रिमोट है। कितना ज्यादा पतला रिमोट इन लोगों ने बना रखा है। यहाँ पर देखो इसके ऊपर बहुत सारे बटन्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल इसको अपन रखते हैं साइड में, अभी निकाल लेते हैं अपनी जीप को। ओ माय गॉड, बिल्कुल एक महिंद्रा की थार होती है ना यार, बिल्कुल उसी तरह की दिखाई दे रही है, उसी तरह का डिजाइन है और भाई एकदम जबरदस्त कलर नजर आ रहा है। यार मेरी तो जो फेवरेट कार है ना महिंद्रा थार है। आपकी कौन सी सबसे ज्यादा फेवरेट कार है यार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। देखते हैं यार इसके साथ और क्या क्या मिला। यार कुछ है नहीं, बॉक्स के अंदर कुछ चीजें मिली है जैसे कि इसके ऊपर चिपकाने के लिए कुछ स्टिकर्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पर जीप बोलकर लिखा है यार, पर ये जीप की तरह तो दिखाई नहीं दे रही है। इसकी जो बैटरी है यहीं पर लगी हुई होती है और भाई इन लोगों ने इसको चिपका रखा है वेलक्रो से। ये जो बैटरी है 500 mAh 7.4 वोल्ट की दी हुई है, तो इसको अपन लगा देते हैं गाइस यहीं पर ही, इसको बंद कर देते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड प्लास्टिक से इन लोगों ने इसको बनाया है। और देखो गाइस ये जो डोर्स है ना भाई इस तरह से ओपन भी हो जाते हैं। अंदर देखो यार सीट्स वगैरह नजर आ रही है, स्टीयरिंग नजर आ रही है और भाई बैक को देखने के लिए एक बैक मिरर भी यहाँ पे इन लोगों ने लगा रखा है। साइड में देखो मिरर्स वगैरह दिए हुए हैं और भाई यहाँ पर हैंडल वगैरह भी दे रखी है इन लोगों ने। सामने एक एंटी कोलिजन बम्पर दिया हुआ है, लाइट्स है, यहाँ पर देखो गाइस एक खतरनाक वाला डिजाइन बनाया हुआ है इन लोगों ने। और भाई व्हील्स तो मेरे को काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, पूरी तरीके से फुल्ली प्रोपोर्शनल आरसी कार है, पूरी तरीके से 4x4 भी है। यहाँ पर देखो सामने भी सस्पेंशन दिए हुए हैं, पीछे भी सस्पेंशन है, इतने ज्यादा दमदार मेरे को लगे नहीं। नीचे पूरा एरिया जो है प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये जो पार्ट है ना भाई पूरी तरीके से हम लोग इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं। अंदर देखो बैग्स वगैरह रखने के लिए दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा व्हील दिया हुआ है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको भी चाहे तो हम लोग पूरी तरीके से अलग करके ओपन टॉप भी इसको बना दे सकते हैं। ये देखो भाई मेरे पास एक और जिप्सी है, इसका नाम है D90। ये जो कार है ना भाई थोड़ी बहुत लैंड रोवर की तरह ही दिखाई देती है, बहुत ज्यादा वेट कैरी कर सकती है और ऑफ रोड में तो बड़ा ही कमाल से चल सकती है। दोस्तों अगर आप चाहते हो मैं इन दोनों की फाइट वाली वीडियो बनाऊं या फिर वर्सेस वाली वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट में यस बोलकर टाइप कर देना, मैं जरूर से इन दोनों की वर्सेस वाली वीडियो भी बना दूं। इस कार की और कुछ खास चीजें मैं आपको बताऊं तो देखो यार इसके अंदर बैटरी मैंने डाल दी है, इसके अंदर भी बैटरी डाल दी है। सामने के हेडलाइट्स बहुत ज्यादा ब्राइट दिए हैं, जैसे ही आप इसकी स्टीयरिंग टर्न करते हो देखो यार यहाँ पर इसके अंदर इंडिकेटर भी जलने लगते हैं। इस तरफ करोगे तो इस तरफ का इंडिकेटर जलने लगता है। भाई ये जो चीज है ना भाई ऑटोमेटिक ही होने लगती है इस कार के अंदर। पीछे भी देख लेते हैं इंडिकेटर दिया हुआ है या नहीं। यार पीछे कोई भी लाइट मेरे को दिख नहीं रही है, इंडिकेटर भी नहीं दिया हुआ है। ओके तो रिवर्स जब हम ले रहे हैं तो देखो पीछे वाली लाइट भी इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो ये चीज मेरे को इसकी काफी ज्यादा सही लगी यार। देखो पूरी तरीके से 4x4 आरसी कार है। तो चलो दोस्तों अभी अपन लोग चलते हैं बाहर, फटाफट से करते हैं इसकी टेस्टिंग, देखते हैं अपनी टेस्टिंग में ये जो कार है ना भाई पास हो पाती है कि नहीं। लेट्स गो। दोस्तों मैं आ चुका हूँ रोड पर अपनी एकदम गजब की दिखने वाली आरसी थार को टेस्ट करने के लिए। तो पहले इसका जो रिमोट है ना भाई ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो बटन आपको दिख रहा है इसके अंदर देखो गाइस मैंने प्रेस कर दिया, अभी ये जो कार है ना भाई अपने आप ही चलेगी। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इसका ट्रिगर प्रेस नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको रिवर्स में भी चला सकते हो और फॉरवर्ड में भी चला सकते हो। देखो ये बटन दबाने पर इसकी स्टीयरिंग जो है ना भाई पूरी तरीके से लेफ्ट को टर्न हो जाती है, नीचे के बटन दबाने पर ये जो स्टीयरिंग है ना भाई पूरी तरीके से राइट को भी टर्न हो जाती है। यहाँ पर एक नॉब भी दिया हुआ है इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए, पर ये जो नॉब है ना भाई इस रिमोट के अंदर सही से काम नहीं करता है। रिमोट की स्टीयरिंग टेस्ट भी करके देख लेते हैं। स्टीयरिंग एकदम मक्खन की तरह टर्न हो रही है, देखो गाइस क्या जबरदस्त तरीके से काम कर रही है अपनी कार। और भाई इसको टर्न होने के लिए ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए, बहुत कम जगह में भी हम इसको चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, मेरे पास एक रॉक क्रॉलर है, ये भी ऑफ रोड में चलने के लिए ही बनाई गई है, अपनी थार भी ऑफ रोड में ही चलने के लिए बनाई गई है। दोनों के बीच में यहाँ पे मैं रेस करा के बता रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे रॉक क्रॉलर इसको हरा पाती है कि नहीं। मेरे को लगता है कि नहीं हरा पाएगी, अपनी थार की स्पीड बहुत ज्यादा दी गई है। तकरीबन इसकी स्पीड जो है 15-20 किलोमीटर पर आवर है, अपनी रॉक क्रॉलर की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। तो भाई रॉक क्रॉलर तो इसको बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगी, अभी क्लियरली विनर है अपनी आरसी थार।
अभी रॉक रोलर के साथ इसकी आमने सामने वाली फाइट कराते हैं, देखते हैं भाई कौन जीत पाता है। तो दोनों की एकदम से टक्कर हो चुकी है, देखते हैं गाइज यहाँ पर। अरे ये क्या हो गया गाइज, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। देखो भाई रॉक रोलर ने तो इसको एकदम औंधे मुंह ही फेंक दिया है, क्लियरली विनर है अपनी रॉक रोलर। अभी यहाँ पर रॉक रोलर और थार के बीच में टग ऑफ वॉर भी करा के देखते हैं वापस से अपनी रॉक रोलर इसको हरा पाती है कि नहीं, ये भी चेक कर लेंगे। तो देखो गाइस यहाँ पर दोनों के व्हील जो है भाई काफी स्पीड से घूम रहे हैं, दोनों जो है यहाँ पर गड्ढे बना चुके हैं, दोनों को भी प्रॉपर ग्रिप यहाँ पर नहीं मिल रही थी। अभी देखो गाइस अपनी थार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है, ये अपनी स्पीड बढ़ा चुकी है और भाई इसको ग्रिप भी मिल चुकी है यहाँ पर, ये पूरी तरीके से घसीट के लेके जा रही है रॉक रोलर को। तो भाई यहाँ पे क्लियरली विनर मेरे को लग रही है अपनी आर से थार ही होगी, यहाँ पर रॉक रोलर को बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं मिल रहा है ग्रिप जमाने के लिए। अपनी आरसी थार जो है ना भाई एकदम ट्रू ऑफ रोडर कार है, यहाँ पर देखो इतने ढेर सारे पत्थर पड़े हैं, इन पत्थरों पर से अपनी कार किस तरह से स्मूथ तरीके से निकल रही है। इसके सस्पेंशन भाई ठीक ठाक से ही काम कर लेते हैं ऑफ रोड में चलने के मामले में। इसके सामने अगर कोई बड़ा पत्थर भी आ जाए ना भाई, इसको देखो फान कर इस तरह से निकल जाती है अपनी आरसी थार। अभी अपनी थार के सामने एक 60 डिग्री की क्लाइंबिंग है, साथ में यहाँ पर देखो बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हैं, देखते हैं यहाँ से क्लाइंब कर पाती है कि नहीं। ओह माय गॉड, ये तो उल्टा ही गिर गई, इसके सस्पेंशन जो है भाई बहुत ज्यादा स्मूथ है, इस वजह से ये उल्टा गिर गई है, यहाँ पर ये चढ़ नहीं पा रही है। तो एक काम करते हैं अपनी रॉक रोलर को यहाँ पर चढ़ा के देखते हैं, तो रॉक रोलर यहाँ पर आकर फंस चुकी है, थोड़ा सा पीछे लेकर अभी आगे चलाते हैं। देखो गाइस अपनी रॉक रोलर भाई यहाँ पर काफी इजी तरीके से क्लाइंब कर चुकी है, क्योंकि इसके सस्पेंशन जो है थोड़े से हार्ड दिए हुए हैं। दोस्तों अभी अपन इसके अंदर बैटरी अपग्रेड कर लेते हैं, यहाँ पर देखो मैंने 1200 एमएच की बैटरी डाल दी है, इसको बंद कर देते हैं। इसके ऊपर देखो स्पाइडरमैन वाली कार रख दी मैंने, अभी इसके ऊपर ऑडी A7 भी रख दिया है, देखते हैं इतना ज्यादा वेट अपनी कार ले जा पाती है कि नहीं, बहुत ज्यादा भारी वेट है। देखो धीरे धीरे से तो लेके जा रही है, तो भाई यहाँ पे देखो इतना ज्यादा वेट भी अपनी जो आरसी थार है ना कैरी कर सकती है। ये जो कार्स होती है ना यार, बहुत ज्यादा वेट कैरी कराने के लिए ही बनाई जाती है, मेरे पास पता ही होगा आपको बहुत सारी इस तरह की कार्स है। इसके ऊपर और वेट डाल दिया है मैंने, नीचे की तरफ अपनी हमर कार का पिगी बैंक का डिब्बा है, उसके ऊपर अपनी एब्राम्स कार का डिब्बा है, दोनों के अंदर कार भी है टैंक भी है। देखो इतना ज्यादा वेट भी अपनी जो कार है ना भाई लेके जा सकती है, काफी सही से बैलेंस कर रही है अभी तक। और भाई मैं यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक हो चुका हूँ, इतना ज्यादा वेट भी अपनी जो कार है ना भाई लेके जा सकती है, इसके ऊपर मैं और दो डिब्बे भी रख दूँ ना तो भी ये वेट कैरी कर सकती है। दोस्तों चलो अभी इसका रेंज टेस्ट भी करके देख लेते हैं। इसके साथ हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट मिलता है, बहुत दूर तक अपनी कार जो है जा चुकी है, तकरीबन इसकी रेंज जो है 70 से 80 मीटर दूर तक चला सकते हैं हम लोग। यार मैंने तो बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि अपनी कार जो है इतनी दूर तक चली जाएगी। जहां तक बात करूं मैं इसको गड्ढों में चलाने की, गड्ढों में तो भाई अपनी कार एकदम मस्त तरीके से चलती है, सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है, ओ भाई क्या डैश मारा इसने, तो देखते हैं यहां से निकल पाती है कि नहीं। जैसे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा थ्रॉटल बढ़ाया है भाई, देखो ये गड्ढे में से भी अपनी कार जो है निकल चुकी है बड़ी आसान तरीके से। जहां तक इसको ऑफ रोड में चलाने की बात करूंगा, ये जो कार है ना ऑफ रोड में भी बिल्कुल सेम स्पीड से चल सकती है, ऑन रोड में भी बिल्कुल सेम स्पीड से चल सकती है, 15 से 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दी गई है। भाई इसकी बैटरी भी बड़ी ही कमाल की चलती है। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये कार कैसी लगी। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट।